our channel DNR Vlogs, and today we are going to make veg pulao. And now I'm going to show you the ingredients. इंग्रेडिएंट्स में हमने खड़े मसाले लिए हैं, तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा, और मैंने यहाँ पे 2 ग्लास चावल लिए हैं। और ये वेजिटेबल्स में हमने लिया है गाजर, आलू, गोभी, मटर और 2 अनियन चॉप कर लिया है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 टेबलस्पून घी जो मैंने गैस ऑन करके कुकर गरम करके डाल दिया है। और इसी में हम अब गरम मसाले डाल देंगे जो हमने खड़े मसाले लिए हैं, और फिर इसको थोड़ा सा भूनेंगे। हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें चॉप्ड अनियन डाल देंगे। और 2 मिनट तक प्याज को लगातार फ्राई करने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको भी थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, तब तक ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें मिक्स वेजिटेबल्स डालेंगे जो मैंने पहले से रेडी करके रखा है, मटर, बीन्स, गाजर, आलू और गोभी, और हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसको थोड़ा सॉफ्टली मिलाइएगा, मेक श्योर कि वो टूटे ना वेजिटेबल, सो मिक्स इट वेल ताकि कि वो जिंजर गार्लिक पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको थोड़े देर तक सौते करते रहिए। और इस पॉइंट में अब आके हम इसमें नमक मिला देंगे स्वाद अनुसार, और जब तक मेरे वेजिटेबल्स स्टर हो रहे हैं मैं यहाँ पे चावल को अच्छे से धो लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल भिगा के नहीं रखा है, मैं डायरेक्टली इसको धो के वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करूँगी। और इसमें जैसे मैंने 2 ग्लास चावल लिए हैं तो मैं 4 ग्लास पानी डाल के इसको छुड़ा दूँगी। अब हम इसको 2 सीटी आने तक गैस में रखेंगे, और 2 सीटी आने के बाद अब गैस बंद कर दें और 5 मिनट के लिए रख दें, 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलें। और ये देखिए हमारा पुलाव बन के तैयार है, चावल एकदम खिले खिले बने हैं और एक दूसरे के साथ चिपके भी नहीं है, इतना फ्रेश और इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही है, और कलर भी एकदम परफेक्ट आया है। Guys, this was a recipe for veg pulao. I hope you like the video. Please like, share and subscribe to our channel DNR Vlogs and hit the bell icon.